नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी का आज कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और हरियाणा के आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आज नवीन जैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा है। आज उनके बोल बिगड़ते दिखाई दिए हैं। जेजेपी की कैथल में बड़ी रैली थी इनेलो की, उन रैलियों को देखो, हम तो डोर टू डोर जा रहे हैं भाई साहब। रैली तो पैसे हम है, हमारे द्वारा पैसे है नहीं, पैसे हो जाएंगे तो हम भी रैली कर लेंगे। बाकी हमारा तो काम है लोगों के घर घर तक जाना, लोगों को जाकर बताना आग बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल जब केजरीवाल बढ़िया बना सके है तो खट्टर का के नाश जा रहा है। हम तो लोगों को ये बताऊं भाई, लोगों ने अब गला कटवाना है, अब गले में माला डलवानी है तो लोगों ने डिसाइड करना है। कट रहे लोग हमने कह रही वाला तो घर के बाहर बैठे पावेंगे ये चलान काटने ताई, तो चलान के नाम पर जेब काटने लग रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं लोगों तक घाटा पूरा करने के चक्कर में ये कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि भाजपा के सामने कोई विपक्ष कोई भी नहीं खड़ा, जनता खड़ी है भाई साहब। ये घमंडी जो मुख्यमंत्री है ना, एक नंबर घमंडी मुख्यमंत्री, इसका घमंड हरियाणा की जनता चूर कराई भाई साहब। चलिए MP अपने हरियाणा उम्मीदवार की घोषणा, देखिए आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 22 उम्मीदवार ऑलरेडी उतार चुकी है और अब जल्द ही तीसरी लिस्ट आ जाएगी और आम आदमी पार्टी आम आदमियों को चुनाव लड़ाएगी। और इस चुनाव का मकसद है दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में जो काम कराया गया उस काम के आधार पर हरियाणा में आएगी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल के काम और खट्टर साहब के हरियाणा के कांड लोगों के बीच में लेके जाएगी। आरोप लगाते हैं बीजेपी पार्टी वाले कि नवीन जैन विवादित बयान हमारे नेताओं के खिलाफ देते हैं, क्या कारण है कि लगातार आप विपक्ष पर कड़े वार करते हो? साची बात बताओ भाई साहब, हमको गलत थोड़ी कहे हैं। अरे बीजेपी वाला ने नाश कर दिया, साफ दिखल लग रहा है भाई साहब। जेब भी काट लिया, अब गर्दन काटने की बात करे मुख्यमंत्री। अरे गर्दन काट मुख्यमंत्री, हम तो लोगों ने कहे गर्दन काट मुख्यमंत्री, नहीं भी कहना हरिद्वार भेज दो, 75 पार का है ना ये, हरिद्वार भेज दो भाई साहब इन्हें। जेजेपी और इनेलो, सुशील गुप्ता ने कहा कि जाति और धर्म, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के नाम पर सरकार वोट मांग रही है। आइए बात करते हैं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से। क्या रोल मॉडल लेके जनता के बीच में आओगे? जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने काम के नाम पे वोट मांग रही है। हमने शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए दिल्ली में काम किया है। हरियाणा सरकार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगती है, पाकिस्तान और कश्मीर के नाम पे वोट मांगती है, हरियाणा के नाम पे वोट नहीं मांगती। महिलाओं को कितने प्रतिशत वोट? महिलाओं को पर जितनी महिलाओं ने हमारे अप्लाई किया, महिलाओं को हम अच्छी मात्रा में टिकट दे रहे हैं, दो को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। और महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर हमने सारी DTC ना केवल दिल्ली के महिलाओं के लिए, सारे हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए फ्री किया है। तो दोस्तों, नवीन जैन के बिगड़ते बोल, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।